गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज हम अनबॉक्स करेंगे फूल डॉट को कंपनी की अगरबत्तियाँ। दीज आर रियली ब्रांडेड एंड ऑर्गेनिक अगरबत्तीज दे क्लेम टू। मुझे तो मेरा पार्सल अभी मिला है एंड दिस कॉस्टेड मी 330 रुपीज़। ओके, सो प्री पेमेंट के साथ कोई डिस्पैच कॉस्ट है नहीं, लेकिन अगर आप पोस्ट पेमेंट या POD या COD करते हैं तो डेफिनेटली दे विल चार्ज यू। सो एनीवेज वहाँ पर कुछ डिस्काउंट कोड्स भी थे बट मुझसे नहीं लगा। खैर, सो हम अनबॉक्स कर रहे हैं ये। आई जस्ट हैव रिसीव्ड दिस पार्सल एंड आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ परफ्यूम सेंट्स एंड मोस्टली अगरबत्तीज बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ पूजा पार्ट एंड ऑल दैट। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रांडेड ऑर्गेनिक अगरबत्ती भी मंगवाया जाए बिकॉज दिस इज़ नॉट अवेलेबल कन्वेंशनली इन द स्टोर्स और द यू नो टेक अवे स्टोर्स और द प्रोविजन स्टोर और द पूजा स्टोर्स और एनी मॉल्स नहीं मिलते ये। तो दे डू एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ देमसेल्फ। सो आई गॉट देयर कॉन्टैक्ट वाया इंस्टाग्राम। तो अभी उसको खोलेंगे एंड देखते हैं कि ऐसा क्या है। खुशबू तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। खोल लिया है। पैकिंग शैकिंग भी इनकी इतनी टाइट और इतनी तगड़ी है। ओ माय गॉड, दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। माय गॉड, आई एम लविंग इट। एंड यस, 330 रुपीज़। ठीक है, सो अगरबत्ती के लिए 330 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने दो बॉक्स रिसीव किए हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है? एरोमेटिक पैक स्टिक्स, इको नेचुरल ऑर्गेनिक होम फ्रेग्रेंस, वेगन अप्रूव्ड। वेगन काफ़ी अट्रैक्टिव पैकिंग है। इट इज़ मोर और लेस लुकिंग लाइक अ मसाबा साड़ी एंड विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। सो दिस पैकेट इज कंटेन्स फ्रेग्रेंसेज दैट आर लाइक मेड अप ऑफ लेमन ग्रास एंड टी ट्रीज। मैंने ये वाला मंगवाया था। और भी उनके पास फ्लेवर्स होते हैं पर मैंने सोचा कि ये मंगवा के देखते हैं। तो इस पर दो है, काफ़ी अट्रैक्टिव पैक है एंड ब्रांडेड मीन्स आई विल मीन इट। ऑलराइट, सो यू हमने खोला फूल डॉट को। ये उसकी पैकिंग है एंड अब हम निकालेंगे फ्रेग्रेंस नंबर वन। रियली अट्रैक्टिव पैकिंग। चारों तरफ से ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी थिक है। इसका मतलब इस पे बंडल्स बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये है दूसरा पैकेट, ये टी ट्री वाला है एंड आई थिंक ये लेमन ग्रास वाला है। सो ये लेमन ग्रास और ये टी ट्री, एक बार मैं आपको दिखा दूँ द टी ट्री वन एंड दिस वन इज द लेमन ग्रास वन। फाइन, अभी खोलेंगे ढंकन। इसको खोलते हैं। बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग है और वो जो कुछ माइक्रोन पॉलीथिन वाले पैक होते हैं उसका ऊपर वाला शेल कुछ उससे है, बाकी पूरा का पूरा क्या कहें, कागज़ से, बहुत थिक कागज़ से बना हुआ है। सो देखते हैं क्या है इसमें। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है, मैं रेकमेंड भी करूँगी। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। अभी नवरात्रि आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है। सो मुझे लगता है कि ये वर्थ बाइंग होगा। अभी तो हाल फिलहाल में खोल ही रही हूँ मैं इसको। ओके, सो वी कैन पुश इट। एक बार आप यहाँ से मतलब खोल लेंगे, काट लेंगे। काफ़ी तगड़ी पैकिंग है तो मॉइस्चर आने का कोई सवाल नहीं होता। तो शेल्फ लाइफ और स्टोरेज इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप इसको, इट्स अ स्लाइडर पैक। ओ माई गॉड, दिस इज सो 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 इंडियन, राइट। तो इस पर लिखा हुआ है, हेलो आई एम मधु देवी, आई एम प्राउड दैट दीज इंसेंसेस आर मेड विथ लव एंड केयर एंड नाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसेंस सर्टिफाइड बाई फेयर फॉर लाइफ फेयर ट्रेड स्टैंडर्ड एंड अप्रूव्ड बाई इकोसर्ट होम फ्रेग्रेंस द हाइएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर नेचुरल एथिकल प्रोडक्ट्स। सो ये आई थिंक मधु देवी का, शी इज़ द वन एंड इट दिस
पेपर इज़ ऑल्सो हैंडमेड पेपर, सो दिस इज़ रियली रियली इको फ्रेंडली. देखिए ना, ओके वेगन है कह रही है द फूल. फाइन, दिस अ नोट बाई मैडम मधु देवी. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लाइक, ओ माई गॉड, इट हैज़ गॉट अ वुड. माई गॉड, दिस इज़ लाइक इट्स वर्थ बाइंग. आई टेल यू दिस इज़ वर्थ बाइंग. यहाँ एक छेद है जहाँ पर आप उसको खड़ा कर सकते हैं, उसको अपने अगरबत्ती को, और उसका पूरा ऐशेज उस पर गिरेगा. काफ़ी इको फ्रेंडली अप्रोच है. इसके अंदर सेकेंड नोट है, सेकेंड नोट इज़ मेड फ्रॉम टेम्पल फ्लावर्स. दे राइट मेड फ्रॉम टेम्पल फ्लावर्स इंसेंस स्टिक होल्डर. ओके सो ये इंसेंस स्टिक होल्डर को रखने के लिए है. दिस इज हाउ इट वॉज. नाउ दिज आर द एक्चुअल प्रोडक्ट्स. एज आई टोल्ड यू कि आप इसको खींचेंगे तो दिस विल कम आउट. सो काफ़ी 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 ब्रांडेड अप्रोच है. आई थिंक इसमें 50 स्टिक होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता. हाँ 50 स्टिक हैं इसमें. ये टी ट्री वाला है, तो क्योंकि टी ट्री नहीं, आई थिंक ये लेमन ग्रास वाला है. लेमन ग्रास वाला है तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फ्लाई रिपेलेंट. प्लीज़ इग्नोर द साउंड विच इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द बैक. हम अभी इसको जला के भी देखेंगे, बट वीडियो के बाद. लेकिन एज सच हम तो फिदा हो गए भाई इसके खुशबू से, पैकिंग से, सब कुछ से. दिस इज़ लाइक रियली 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 ब्रांडेड एंड काफ़ी ऑर्गेनिक अप्रोच है, मतलब सच में. तो हमारा पैकिंग नंबर 1 तो खुल गया है, हम इसे वापस से रख देते हैं. तो ये जो पैकिंग है ना, इसके अंत में क्रिम्प है, और वो क्रिम्प जो है वो कुछ ऐसा है. इस पे एक सैटिन का वो लगा हुआ है क्लॉथ, तो जिसको हम यूं खींच सकते हैं और डेली यूसेज में ला सकते हैं. तो पैकिंग काफ़ी तगड़ी है एंड मॉइस्चर फ्री अप्रोच है, तो नाइस. जो कि बारिश के दिन में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि इसको मैंने उस टाइम पे उसको खींच खींच के निकाला था, बाद में देखा कि इसमें खींचने की ज़रूरत नहीं, एक साइड से ओपन एंड है. सो इट इज़ लाइक दिस, विल पुल इट फ्रॉम हियर एंड इट विल कम आउट. अगेन मधु देवी के पास से. ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल गॉड, आई एम लाइक स्पेल बाउंड. आपसे मैं इन्हीं के पास से अगरबत्तियाँ मंगवाना पसंद करूँगी, बिकॉज इट इज़ वर्थ बाइंग. व्यूअर्स, दिस इज़ वर्थ बाइंग. माई गॉड, दिस वुड ऑल्सो स्मेल्स लाइक ओके. एंड अगेन द सेम थिंग, द सेम यू नो. इस पर भी सॉफ्ट है. तो हम अभी जो हमने सेकेंड डिब्बा खोला वो है टी ट्री, और जो फर्स्ट डिब्बा हमने खोला था वो है लेमन ग्रास. एनी वेज, एथिकल क्लीन एंड ऑनेस्ट अप्रोच, सीक्रेट अप्रोच, गुड. सो थैंक यू सो मच मधु देवी जी एंड फूल PHOOL. सो यू कैन विजिट देयर स्टोर्स इन www.fool.co. दैट्स www.phool.co. ओके एंड यू कैन ऑल्सो विजिट देयर पेजेस एंड देयर इज़ द शॉपिंग, यू नो देयर इज़ अ शॉपिंग ऑप्शन वेयर यू कैन क्लिक एंड बाय इट. ओके सो इट्स रियली दोज हु आर फॉन्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेज एंड अगरबत्ती, सेक्रेटनेस एंड प्यूरिटी एंड एवरीथिंग, दिस इज़ फॉर एवरीबडी ऑफ देम. दिस इज़ फ्रॉम एवरीबडी ऑफ देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. दिस इज़ डॉक्टर सुकीर्ति बवाय साइनिंग ऑफ. बाय.